वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज का जो सुबह है बहुत ही सुहाना है और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ रखा है, जो कि अभी अभी मैं आप लोग को यहाँ का टूर करवाने वाला हूँ, यानी कि गार्डन का टूर करवाने वाला हूँ कि किस तरह का यहाँ पर पेड़ पौधा है, क्या है। मैं आप लोग को एक एक करके बताऊँगा जहाँ पर मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मेरे पीछे जो ये आप बड़े बड़े पत्ते वाले जो देख पा रहे हैं, देखिए ऊपर में भी मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पेड़ है, ये पेड़ का नाम है सागौन और यह बहुत ही महंगा पेड़ है अभी तक का। तो देखिए वहाँ पर भी लगा हुआ है, उस जगह में भी लगा हुआ है, और भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ वहाँ पर कौन कौन सा पेड़ है। यहाँ पर आम का पेड़ है, यहाँ पर केले का पेड़ है, ये केले का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, और आप लोग को मैं और दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं छोटा छोटा, तो ये मकई है, ये गन्ना है, ये कटहल है, और उधर में जो छोटा छोटा पौधा लगा हुआ है ना, सब में अलग अलग है, जैसे कि पपीता है, फिर लहड़ का है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मैं और भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारा फूल भी लगा हुआ है अलग अलग तरह का, और बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा है सागौन का, सागौन का बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर बैंगन का भी लगा हुआ है पौधा, ये जवा है, और ये लीची है, ये लीची का पौधा है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सागौन का बीज है, जो कि ये हमेशा गिरते ही रहता है, सैगुन का बीज है। यहाँ पर जावा फूल भी है, और यहाँ पर एक और लीची है, और यहाँ पर देखिए ये अनारस है, और यहाँ पर नींबू है, जो कि बड़ा वाला नींबू है, पपीता भी फला हुआ है। ये जो पौधा है, इसको मोर पंखी पौधा का नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और 50 फीट का ऊंचा होता है। ये कुछ गेंदा का भी यहाँ पर फूल हुआ है। मैं अभी अभी आया हूँ बच्चा जेल, जो कि इस रास्ता में बच्चा जेल पड़ता है, और अभी मैं बरमसिया क्रॉस करते हुए जाऊँगा हीरापुर। तो चलिए मैं करता हूँ आप लोग को अपडेट, और मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं ड्यूटी ऑन कर चुका हूँ, और आगे का जर्नी मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं काफ़ी देर से चना खाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मुझे रास्ते में चने वाले दिख गए हैं। 10 रुपये का चना दे दीजिएगा भैया, और मैं चना खाता हूँ, उसके बाद करता हूँ आपको अपडेट। अभी मैं खा रहा हूँ चना, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। चलते हैं पेट्रोल पम्प, क्योंकि तेल हो चुका है मेरा ख़त्म, यहाँ पर देख पा रहे हैं, और अभी बज रहा है 8:14। चलिए पेट्रोल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ऑर्डर को डिलीवर करने। ओ बहुत भीड़ है भाई साहब, बहुत भीड़ है, काफ़ी समय लगेगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद लेते हैं तेल। चलिए मुझे मेरा नंबर आ गया है, मैं 500 का तेल लेने वाला हूँ, और तेल बहुत महंगा हो चुका है अभी, बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है, बड़े बड़े नोटों में ही मिल पा रहा है। तो भैया भाई साहब, थोड़ा सा अच्छा से इसको तेल दीजिएगा, क्योंकि इसको गिरने मत दीजिएगा तेल। चलिए मेरा तेल का काम तो हो चुका है, और ये अब टंकी से निकलने वाला है इसका मुंह। जी हाँ, अब चलिए आगे चलते हैं और करते हैं ऑर्डर को डिलीवर, क्योंकि एक ऑर्डर आ चुका है मेरे पास। चलिए रेस्टोरेंट में आया है ऑर्डर, और आइसक्रीम का ऑर्डर आया है, चलते हैं लेते हैं सामने वाला मोमोज नेशन कैफे से। मैं ऑर्डर ले चुका हूँ, और चलिए कस्टमर तक देते हैं चलकर, और मेरे पास में ये ऑर्डर है, और मेरा गाड़ी उस साइड में रखा हुआ, दिखाता हूँ, रोड के उस पार में रखा हुआ है, और अभी गाड़ी आ रहा है, तो गाड़ी को पास करके और मैं उधर में क्रॉस करता हूँ। मेरे पास में ये जो ऑर्डर है, ये आइसक्रीम ऑर्डर है, और जल्दी से जल्दी चलते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा गर्म, और उसके बाद फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए चलिए कोयला नगर चलते हैं और करते हैं अपडेट। चलते हैं सोनाटल और लेते हैं यहाँ से फूड, अभी अभी आया है, आ चुका।
चुके हैं सोनाटल के लिफ्ट में और यहाँ चलते हैं सोनाटल के अंदर और वहां से लेते हैं फूड और कस्टमर तक जाते हैं, करते हैं आपको अपडेट। पांच नंबर आ गया है, पांच नंबर ही जाना है रेस्टोरेंट में। गेट खुल जा सिम सिम। अभी अभी मैं आया था NH 32 और यहाँ से मैं फूड लेकर जा रहा हूँ, अपना गाड़ी वहाँ रखा हुआ है, चलते हैं लेते हैं और उसके बाद फटाफट कस्टमर तक स्पीड में पहुँचाते हैं जिससे कि कस्टमर भी खुश हो जाए। और मैं आप लोग को एक और बात बताऊँगा, चलिए कुछ देर में आप लोग को देता हूँ अपडेट। ओ भाई ठंड आ चुका है, गाड़ी चलाते चलाते बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है ठंड का। तो अभी क्या है ना कि पूरा का पूरा अभी जैसे कि अभी हाथ खाली है ना, तो और पतला पतला मैं पहन के भी आया हूँ, तो अब मोटा मोटा पहन के आना होगा और ड्यूटी करना होगा क्योंकि गाड़ी चलाने में ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है ज़बरदस्त। और अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि रोड खाली हो गया है, ठीक है, ज़्यादा गाड़ी नहीं चल रहा है और मार्केट भी आज ठीक ठाक था लेकिन उतना अच्छा से ऑर्डर नहीं हुआ, टारगेट जो है वो भी पूरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, 44 मिनट हो चुका है, वेट कर लेते हैं अभी कि ऑर्डर आता है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो चलेंगे रूम में और फिर करेंगे भोजन क्योंकि लगा है बहुत ज़ोर से भूख यार। और अगर ऑर्डर आ जाता है तो डिलीवर करेंगे और उसके बाद चलेंगे रूम में। तो चलिए मैं करता हूँ आप लोग को अपडेट कुछ देर बाद। फिलहाल मैं रूम में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने अपना जितना भी जो काम करना था मैं कर लिया हूँ, जैसे फ्रेश होना, खाना खाना वगैरह सब मैं कर लिया हूँ। अब मैं चलूँगा वीडियो एडिटिंग करूँगा, उसके बाद करना है मुझे अपलोड। तो दोस्तों आप लोग से मेरा तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और शेयर करने ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पल कितना अच्छा लगा। मिलते हैं कल सुबह इसी तरह का एक नए वीडियो के साथ हमारे ब्लॉग चैनल में और आपको करते हैं करवाते हैं इंजॉय अपने जरिए। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।